पासवान, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस न्यूज। आइए कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में न जाने कितने गरीब बेसहारा लोग हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में अगर बात इलाज की हो तो कितने गरीब हैं जो हर साल बिना इलाज के ही दम तोड़ देते हैं। इनके हाल पर न कोई हाल पूछने वाला मिलता है, न ही इनकी सुध लेने वाला। वही बिना स्वार्थ और मतलब के अगर कोई किसी की मदद करे तो उसे ईश्वर का दूसरा रूप ही कह सकते हैं। इसी तरह कोलकाता में जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ एक ऐसी एनजीओ है जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हर वक्त खड़ी रहती है। चाहे हालात कोरोना जैसी महामारी में गरीबों को भोजन और अन्य वस्तुएं देकर उनकी मदद करने की हो या बात हो किसी गरीब के इलाज की। इसी क्रम में झारखंड में एक ऐसा गरीब परिवार है जिसके घर में उसके लड़की की किडनी खराब हो गई है। इलाज महंगा है और परिवार के पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी परिवार अपने लड़की की जान बचाने के लिए कोलकाता पहुंचती है। कोलकाता आने के बाद ये परिवार यहाँ से वहाँ दर दर भटकती रहती है। तभी किसी ने परिवार को जज्बा वेलफेयर एनजीओ के बारे में बताया, जहाँ आने के बाद इस परिवार को आखिरकार मदद मिली। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यह एनजीओ इस परिवार की मदद कर रहा है। आत्मा भी नहीं बोले, हमारे लड़का अरबाज खान का किडनी खराब है। हमने डायलिसिस में पैसा नहीं था, 200 रुपया कमरा था, वहाँ ले गए, उन्होंने डायलिसिस नहीं किया। उसके दूसरा दिन हमने कोसा से चंदा मांगने के लिए निकल गए। उसी तरह भटकते भटकते हमें यहाँ का रास्ता मिल गया। यहाँ उन्होंने बताया कि जाइए जुकर भाई से आपको कुछ मदद मिलेगी। तो उन्होंने दो बार हमें बुलाया बच्चों को लेकर के, हमने आए तो यहाँ से हमें मदद मिली। और इससे पहले हमारी एक लड़की थी, नरगिस परवीन, 17 साल की थी, उसे हम वेलोर तक ले गए। उसके पीछे बहुत भाग दौड़ करे लेकिन बच ना पाए। इसकी वजह से इस लड़का को हम लोग बचाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग का मदद चाहिए। अच्छे लोग से यहाँ का खबर मिली कि हम यहाँ आए तो भाई हमें उम्मीद दिए, जुलकर भाई हमें उम्मीद दिए कि आप अपने बच्चों को लेकर आइए, हम सच्चाई देखना चाहते हैं। जब उन्होंने सच्चाई देखे कहें कि हम सब पूरा खर्च और आपके रहने के लिए हम भाड़ा करेंट बिल सब चीज़ का भाईजा भी से लिए, जुलकर भाईजा, और ये हमारे बच्चा है। बस हम इस बच्चा का ज़िंदगी आप लोगों से चाह रहे, देने वाला ज़िंदगी तो अल्लाह ताला, लेकिन आप सब इंसान जरिया बन करके इस बच्चों को बचा रहे। तो जुलकर कुछ पैसे हम लोग को टेस्ट में भी दिए हैं और कुछ डायलिसिस में भी दिए हैं, और आगे भी बोले हैं कि अब अभी तो कुछ दिन पहले इनसे मुलाकात हुई, अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रही है, तो अब इनका जब सपोर्ट हुआ तो हम लोग अब सुकून मिल रहा है कि हाँ चलिए। कुछ पैसा हाथ में भी दिए हैं, तकरीबन अभी 3600 रुपया भी कल परसों दिए मुझे, एक टेस्ट करा के, हाँ एक टेस्ट कराया है, जो अभी रिपोर्ट मेरे पास है। आज ही 5 तारीख को टेस्ट हुआ है, GTPA टेस्ट का नाम है, इको डायग्नोस्टिक सेंटर जो एक साइड में है। उससे किराया हम लोग का तो खुद का घर यहाँ है नहीं। जज्बा फाउंडेशन जो जुलकर नैन भाई हैं उनके तरफ से हमें रहने का खाने का जो इलेक्ट्रिक बिल है, जो घर का भाड़ा है, जहां हम लोग अभी वर्तमान में मतलब 1260 में रह रहे हैं, बड़बड़िया ग्राम का नाम है, नॉर्थ 24 परगना जिला में है, 1260 दत्तोपुखर उसका हो गया थाना, और जगन्नाथपुर हो गया उसका पोस्ट ऑफिस, और 7001126 उसका पिन कोड नंबर है, और ग्राम का नाम है बड़बड़िया, गाँव का नाम, विलेज का नाम, उसी बस्ती में भी हम रह रहे हैं। और वहाँ का जो हम लोग जो भी पेशेंट का साथ में 4-5 आदमी हैं, उन लोग को खाने का जिम्मेदारी और रहना और ट्रांसपोर्ट जो खर्चा है डायलिसिस में आने जाने का, जो डायलिसिस में जो खर्च है, जो और भी पूरी दवाई है, और हम लोग का खाने पीने का सब जुलकर नैन भाई साहब ने पूरी जिम्मेदारी ली है। इनारा थकते आगे धनबाद मैंने झारखंड मध्य थकते हैं, टेम्पोरारी चिकित्सार जो कलकता एस ওনারা আছেন এখন ভিলেজ বারবাড়িয়া নাম আছে, পোস্ট জগন্নাথপুর, পিএস করছে দত্তপুকুর, ডিস্ট্রিক্ট নর্থ 24 পরগনা 1260-এর মধ্যে, ঠিক আছে। ওনারা দীর্ঘদিন ধরে অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে, যে 16 বছরের বাচ্চাটি আছে ওর নাম হচ্ছে আরবাজ খান, ওর দুটো কিডনি ফেল, তো চিকিৎসার জন্য কলকাতাতে এসছে, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চলছে, নানান দিকে যাচ্ছে, তো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ওনারা ভেঙে পড়েছেন, সেই কারণে কিছু সাহায্য চাইছিল এদিক ওদিক। কিছুভাবে আমাদের জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের নাম শুনেছেন, এবং জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের যিনি সমাজসেবী মানে সভাপতি আছেন, সমাজসেবী মাননীয় জুলকার নাইন আলী, ওনার নাম শুনে ওনারা ঠিকানা জোগাড় করে আমাদের দপ্তরে এসছে,
এবং দপ্তরে আসার পর থেকে ওনাকে আমরা আশ্বাস দিয়েছি যে মানুষকে বাঁচানোর হাত হচ্ছে উপরওয়ালার হাতে, সেটা ভগবানের বলুন আর আল্লাহর হাতে বলুন, সেটা উপরওয়ালার হাতে। সেই কারণে আমরা সেটা তো তার হাতে, কিন্তু জুলকারদা যিনি সভাপতি আছেন উনি কথা দিয়েছেন যে আমরা যতটা পারবো চেষ্টা করব, সে আর্থিক দিক দিয়ে হোক, চিকিৎসার দিক দিয়ে হোক, যেমন হোক, জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন আপনার পাশে আছে আর আপনারা সবাই জানে মোটামুটি উনি সমাজসেবী আছেন একজন, উনি সমাজের সমাজমূলক কাজ করেন এবং বিপদের পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েন সব সময়ের জন্য। वही इस एनजीओ का कार्य देखकर यकीन होता है कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे ही नहीं बल्कि अच्छे लोग भी होते हैं जिसके सहारे ही ये दुनिया चल रही है। Don't forget to subscribe. Bell notification. Like. Or share.